इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। सामान्य ग्राम, जैसा कि आप जानते हैं, आज की ये तकरीब शहर बेलगाम से तकरीबन 5 साल से मुसलसल सहाफत के मैदान में अपनी आवाज़ बुलंद करने वाला एक अखबार पैगाम इत्तेहाद अब भरोसा हुई कि 5 साल कामयाब 5 साल जश्न के मौके पर मुनाकिद किया गया है। तो पुरजोर तालियों के बीच मैं चाहता हूं कि जनाब इकबाल जकाती साहब का इस्तकबाल करें और मैं गुजारिश करता हूं इकबाल जकाती साहब से कि वो आएँ। कविता के हवाले से बोल सकते हैं तो कविता के हवाले से बोलना होगा। अगर निजामत के हवाले से बोल सकते हैं तो निजामत के हवाले से बोलना होगा। अगर सहाफत के हवाले से बोल सकते हैं तो हमें सहाफत के हवाले से बोलना होगा। अगर ये फन हमें नहीं आते तो गली के चौराहे पर खड़े कुछ लोगों के दरमियान बोलना होगा। अगर यहाँ भी बोलने से हम खौफ महसूस करते हैं तो उसकी आखिरी सूरत यह है कि बंद कमरे में अपने आप से बोलना होगा, बहरहाल हमें बोलना होगा। और आप ये अखबार यकीनन
सबसे ज्यादा मौसम खत्म हो रहा है। मैं तो कहता हूँ क्या राय, ये उनकी आवाज हर घर घर तक पहुंच रही है और एक अंदर से अंदर एक इंकलाब की सूरत पैदा हो रही है। अल्लाह कहते हैं कि इंकलाब मजीद तक फिर पहुंचे इसको और बहुत मदद हो आवाज सच की आवाज यही है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता आपसे तो कहने साहब को उनको सुनने के लिए आप मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और उनका है मचाकाजी साहब को ये पाँच साल रोज़ा हिंदी महिला में इतिहाद की मुसलसल इशाद पर उनको बार बार पेश करता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस चंद बातें आपके सामने रखकर मेरी जगह ले लूँगा। सबसे पहली बात है कि सहाफत जैसा कि मेरे यहाँ पर बैठे फारूक खानदान साहब हैं, मेरे रहबर आईन समद खान साहब हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूँ, वो जानते हैं सहाफत क्या चीज़ होती है। सहाफत एक बहुत दुश्वार गुजार घाटी है और बहुत ही बुलंद हौसलों का नाम है। ऐसे में इकबाल अहमद जगाती साहब पाँच साल मुसलसल इस अखबार को चलाए हैं, शाया किए हैं, ये अपनी मिसाल आप हैं। इसकी मिसाल आपको बहुत कम मिलती है कि इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर एक अखबार को चलाना काबिल तारीफ बात होती है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।